हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विद्युत सिंह ही इंफोवियान टेक्नोलॉजी से। प्रीवियस सेशन में हमने काफी सारी चीजों पर डिस्कशन किया था और न्यू सेशन के साथ हम आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्या हमने डिस्कस किया था, छोटा सा रिकैप अपन डिस्कस कर लेते हैं, वापस से छोटी सी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं और इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम आपस में बात कैसे करते हैं। आपस में बात करने के लिए किसी लैंग्वेज का अपन यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, ऐसे अपन ने किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश किया था, बातचीत को कंप्लीट किया था। पार्ट नंबर सेकंड आया था हमारा, प्रीवियस सेशन की ही बात चल रही है अभी यहाँ पर। सेकंड नंबर सेशन आया था हमारा कि हम आपस में बातचीत तो करते हैं किसी लैंग्वेज का यूज करके, लेकिन मशीन से या कंप्यूटर से बात कैसे करेंगे। मैंने आपको आंसर दिया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम आपस में या फिर मशीन से बातचीत नहीं कर पाएंगे। हमें आपस में या मशीन से बातचीत करनी है तो उस वहां पर हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। वो सॉफ्टवेयर आपका व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कंप्यूटर की बात करें तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, फोटोशॉप, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। ठीक है, बात आई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो नॉन टचेबल पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी अपन ने डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर के टाइप पर डिस्कशन किया था कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, बताया था मैंने। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन्हें सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मतलब जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा अपन ने डिस्कस किया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी काफी सारी चीजों पे अपन ने बातचीत की थी, है ना, जो कि कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए, वायरसेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन पे अपन ने काफी सारा डिस्कशन किया था। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिस्कशन किया था। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड आता है पहले प्रोग्राम, प्रोग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं वापस से। प्रोग्राम मतलब which solve any specific problem and it is the set of functions and instruction, it's called program or it is also known software। ठीक है, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करके देगी, प्रोग्राम बना के देगी या सॉफ्टवेयर बना के देगी। प्रोग्रामिंग बहुत सारी होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। किनमें क्या काम होता है उस पर भी अपन आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे और कंटिन्यू इसी सीरीज में अपन इंफोवियान टेक्नोलॉजीज के साथ प्रैक्टिकली सेशन भी डिस्कस करेंगे, कैसे अपन को सी में काम करना है, पाइथन में काम करना है, जावा में काम करना है। अभी इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम तक हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने प्रकार की या कितनी कैटेगरी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया गया है जिसके बेस पर हम हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरी यहां पर होती है। पहली कैटेगरी की यदि हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक कैटेगरी होगी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। दूसरी कैटेगरी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बीच में यदि आप ऐड करना चाहो तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहां पर ऐड कर सकते हो। बट वी आर कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, क्या होती है सर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो बेसिकली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है सिंपल सा, जो आसानी से समझ में नहीं आती है। It means which is not easy to read, not easy to write and not easy to understand. उसे हम क्या बोल देंगे? ये programming language low level programming language है। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं और भी अपन step by step discuss करेंगे। ठीक है। जो machine से related या machine से related ही काम करेंगी। ठीक है। बोले सर इसके बेस पर तो हम किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, श्योरली बना सकते हैं, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं जो मशीन से रिलेटेड, सिर्फ ऑन मशीन। यदि आपको मशीन लैंग्वेज पे काम करना है या लो लेवल लैंग्वेज पे काम करना है तो आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर आर्किटेक्चर आना चाहिए।
तो पहले अपन लो लेवल लैंग्वेज की विशेषताएं या फीचर्स या डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस करेंगे, फिर हाई लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। तो लो लेवल में पहला पॉइंट हमारा रहेगा विच इज नॉट इजी टू रीड, आसानी से पढ़ नहीं सकते, नॉट इजी टू राइट, आसानी से लिख नहीं सकते, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ नहीं सकते, एंड नॉट इजी टू सॉल्व एंड फाइंड द प्रॉब्लम्स। जो एरर्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। किसकी बात चल रही है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात चल रही है। नेक्स्ट नंबर, सिट्स ऑन मशीन। इट मींस दैट सिट्स ऑन मशीन का मतलब क्या है? नीड टू नो द इंटरनल हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ मशीन और कंप्यूटर। यदि आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर इंटरनल आर्किटेक्चर आना चाहिए, ठीक है, तो ही आप लो लेवल प्रोग्रामिंग पे आसानी से वर्क कर सकते हो, अदरवाइज तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। समझ गया। काफी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट इसमें रहेगा और कॉस्टिंग भी। जब कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो कॉस्टिंग आपकी कैसे जाएगी? हाई कॉस्टिंग जाएगी, ओके ना। इसको डेवलप करने के लिए इसके बेस पर, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको हाईली एक्सपर्टाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बेसिकली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप की प्रोग्रामिंग या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। एक का नाम है मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्लीटली 01 01 01 के फॉर्म में आती है। लास्ट टाइम भी, प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था 01 01 को लेके, कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 01 ही समझ सकता है, उसको हमारी आसानी से, जो हमारी लैंग्वेज है वो आसानी से समझ में नहीं आती है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं लो लेवल में, पहली कैटेगरी है मशीन लैंग्वेज। दूसरी कैटेगरी है असेंबली लैंग्वेज। तो ये क्या होती है, इस पे डिस्कस करने से पहले सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मींस व्हिच इज वेरी इजी टू रीड, वेरी इजी टू राइट, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं। सो व्हिच इज वेरी इजी टू रीड, very easy to write, very easy to understand, no need to know the hardware internal architecture of machine or computer. High level language पे काम करने के लिए आपको hardware का internal architecture समझने की जरूरत नहीं है। आपको normal चीजें पता है, computer क्या होता है, mouse क्या होता है, keyboard क्या होता है, that's okay, no problem at all. लेकिन मशीन लो लेवल लैंग्वेज में क्या था, मशीन लैंग्वेज में क्या था, आपको इंटरनल आर्किटेक्चर आना चाहिए, तभी आप इस पे काम कर पाओ। टाइम सेविंग रहेगा, वहां पे टाइम के साथ टाइम कंज्यूमिंग था लो लेवल में, और हाई लेवल में टाइम सेविंग रहेगा। कॉस्टिंग कैसी आएगी? जब भैया टाइम बचेगा तो ऑटोमेटिक हमारी कॉस्टिंग कैसी आएगी? लोअर कॉस्टिंग आएगी। नॉट रिक्वायर्ड वेरी हाई एक्सपर्टाइज इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल लैंग्वेजेस पे काम करके भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर आसानी से डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ गया। ऑलराइट, अच्छा बात करें हाई लेवल में तो C++, जावा, पाइथन है ना, आर, रूबी, PHP, जावास्क्रिप्ट, इन सभी को आप हाई लेवल में रख सकते हैं। जिसमें यदि अपन प्रीवियसली बात कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज की, तो दो लैंग्वेज पे अपन ने डिस्कशन किया था। पहला था हमारा मशीन लैंग्वेज और दूसरा था असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये हमारे लो लेवल का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल कैटेगरी में आता है। क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मशीन लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। तो मशीन लैंग्वेज का वर्क करने का तरीका, उसको समझने का तरीका सिर्फ एक ही है, 01 01 01 01 01 के पार्ट में सारा काम होता है। इस 01 01 वाली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बाइनरी फॉर्मेट। तो मशीन लैंग्वेज में जो हमने स्टोर किया है, जो हम का कोड कर रहे हैं 01 01 लिख के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहे हैं, ये सारा 01 का फॉर्म बाइनरी फॉर्मेट कहलाता है। सर ये इजी कैसे नहीं है, आसानी से पढ़ कैसे नहीं सकते, लिख कैसे नहीं सकते, समझ कैसे नहीं सकते, डिस्कस करते हैं। मशीन लैंग्वेज में आपने 01 01 01 में सारा काम किया,
ठीक है भैया, ओके। जब आप 0101 में काम कर रहे हो, आपने 50 लाइन का कोड लिखा और कंप्यूटर को मशीन को दिया कि मशीन मैंने तुम्हारी लैंग्वेज दी है तुमको, 0101 मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मशीन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्यूटर मुझे इस 01 जो मैंने कोड किया इसका सॉफ्टवेयर बना के दो। तो मशीन ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया। अब समझना, अपन को मशीन लैंग्वेज आ रही है, अपन को मतलब अपन जो जो प्रोग्रामर 01 में काम कर रहा है उसको मशीन लैंग्वेज आ रही है। और मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर को भी मशीन लैंग्वेज ही आती है, कंप्यूटर भी सिर्फ और सिर्फ 01 के फॉर्म में ही सारा काम करती है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने कोड दिया मशीन को, आपने 01 के फॉर्मेट में सारा काम किया, मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया, आपकी लैंग्वेज यानी कि आपने जो 0101 लिखा है और मशीन की लैंग्वेज, मशीन समझती है 0101 के फॉर्मेट को, तो इन दोनों के बीच में क्या किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। लास्ट टाइम ट्रांसलेटर पे हमने कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया था, वही मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब आपने 0101 के फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कंप्यूटर से बातचीत की या कंप्यूटर को 0101 वाला पार्ट दिया, तो क्या यहाँ पर किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने भी जो कोड दिया है वो मशीन आसानी से समझ सकती है, मशीन का ही कोड दिया है, 01 में कोड किया है और मशीन का कोड भी 01 है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रीवियसली अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज आसानी से समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। अच्छाइयां क्या बता रहा हूं मैं, पहली अच्छाई किसकी, मशीन लैंग्वेज की, ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, तो नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। नंबर सेकंड, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। जब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे हिंदी आ रही है, आपको भी हिंदी आ रही है, मैं जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, जो आप बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने कोई ट्रांसलेटर यहाँ पर रखा नहीं है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा कैसा होगा, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जब बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा तो टाइम सेविंग होगी। तो इस हिसाब से मशीन लैंग्वेज में जो यदि कोड किया जाता है तो वहां पर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। ये दो मैंने अच्छाइयां बताई। समझ गया, वापस से बुराई करने पे आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में आपने 0101 पे सारा काम कर लिया। ठीक है भाई, अब 0101 पे काम किया, सबको पढ़ने में नहीं आ रहा, सबको सिर्फ क्या दिख रहा है, 0101 दिख रहा है, पल्ले तो पढ़ ही रहा है कि भैया ये लिखा क्या है, 01 के अलावा कुछ समझ नहीं पड़ रही, तो आसानी से पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते। एक नॉर्मल से व्यक्ति को आप बोलोगे कि ये मशीन लैंग्वेज है, इसको पढ़ के बताओ, तो सिर्फ उस 0101 बोलेगा और कुछ नहीं बोल पाएगा। आसानी से लिख नहीं सकते, तो सर क्यों नहीं लिख सकते, लिखने का क्या पार्ट रहता है, इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट सिंपल ए और सिंपल 5 ऑन द स्क्रीन यूजिंग मशीन लैंग्वेज, यानी कि आप मशीन लैंग्वेज का यूज करके सिंपल सा कंप्यूटर की स्क्रीन पर 5 प्रिंट कराना चाहते हो 5, तो उसके लिए भी आपको 101 लिखना पड़ेगा, यानी कि उस 5 को पहले 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 यदि आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको उस लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको 1000 लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, कोड तो और बड़ा होता है। आपको यदि 65 प्रिंट कराना है तो 1 5 0 और 1 आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 65 में कन्वर्ट। 13 प्रिंट कराना 13 तो 1101 आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? बोले सर ये समझ ही नहीं पड़ रही है कि 13 को 0101, हाँ इसका ये कोड होता है, ये कोड्स मैं सिखाऊंगा आगे, आपको बिटवाइज वगैरह पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे सारी चीजें सिखाऊंगा। समझ गया, तो आप तो भी मान के चलिए कि जो मैंने ये कोड्स बोले हैं ये मशीन के कोड मैंने कन्वर्ट करके बता दिए। ये तो थे नंबर वाले कि भैया 13 को करना तो 1101, 8 को करना तो 1000, 5 को करना तो 101 और 65 को करना तो 1 5 times 0 और 1, ये उसका कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, ये कन्वर्ट होके मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होके बनता है 0101। समझ गया, लेकिन बात आती है कि यदि हमने 0101 पे काम किया है और मुझे ए प्रिंट कराना है, अभी हमने क्या प्रिंट किया था, नंबर को प्रिंट किया था, ए शो करना है स्क्रीन पर, शो करना है ए, ए करना है, बी करना है, सी करना है, कोई भी स्पेशल सिंबल करना है,
तो सबसे पहले हमें उस ए को एक नंबर में कन्वर्ट करना होगा, उस नंबर को वापस से 01 में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम मशीन लैंग्वेज पे काम कर पाएंगे, मशीन का कोड कर। अच्छा, इट मींस सर मुझे ए प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भैया जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, @ _ डैश एंटर स्पेस, हर एक का एक पहले से बनाया गया डिफाइन किया हुआ नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। इट मींस दैट मतलब इसका है कि यदि कैपिटल ए आप लिखते हो तो इस कैपिटल ए का एक फिक्स्ड नंबर है, उस नंबर को ASCII वैल्यू या ASCII कोड कहा गया है, जो कि होता है 65। कैपिटल ए का 65 नंबर होता है। अब बात अपन कहां से क्या कहां पे लेके आए, मशीन लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं तो यहां पर ये ASCII कोड पे आ गए, अभी वापस से कनेक्ट करेंगे उसको। तो कैपिटल ए लिखना है तो उसको पहले काय में कन्वर्ट करना होगा 65 में, अपन नहीं कन्वर्ट करते हैं, ये पहले से फिक्स्ड है। कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67 एंड सो ऑन। ए कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक 65 से लेके 90 तक, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, स्मॉल बी की वैल्यू होती है 98, स्मॉल सी 99, स्मॉल डी 100 एंड सो ऑन। @ होता है 64। अंडरस्टूड और नॉट? समझ गया। ये जो बिग ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसका होता 91, ठीक है। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर के, हर एक सिंबल के कोड होते हैं, नंबर्स होते हैं, फिक्स्ड है। इन कोड्स को, इन वैल्यूज को, इन नंबर्स को ASCII वैल्यू कहा जाता है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कहीं कहीं कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी बोला जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। ये स्टार्ट किया गया 0 से लेके 127 तक। इट मींस दैट जब कंप्यूटर तैयार किए गए, बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड से ही तैयार किए गए थे कंप्यूटर, हमारे जो नॉर्मली हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, IBM ने पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार किया था, तो उसके बेस पर उसी टाइम पर ही ये सारे के सारे ASCII वैल्यूज तय किए गए थे, डिसाइड किए गए थे, जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 255 तक होते हैं, टोटल 256 होते हैं 0 से लेके 255 तक। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 0 से 127 तक को बोला जाता है ASCII वैल्यू और 0 से लेके 255 तक को बोला जाता है एडवांस ASCII। तो ये दो पार्ट में है ना, तो 0 से 255 तक अपन पूरा लेके चलते हैं, ये नंबर्स फिक्स्ड है। अब इनके बाद भी अपन यदि बात करें तो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट बोले सर आ बा सा दा, हिंदी वाले, उर्दू वाले, मराठी वाले, तमिल, तेलुगु, ऐसे बहुत सारे जापानी सिंबल, चाइनीज सिंबल, ऐसे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स का यूज करना है तो क्या? तो ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम तैयार किया गया जिसे बोला गया यूनिवर्सल कोड, यूनिकोड, जो कि 0 से स्टार्ट किया गया और 65535 तक, यानी कि 65535 तक ये नंबर फिक्स्ड है। अभी तो और बढ़ा दिए गए, तो 0 से 65535 तक 65535 तक के नंबर्स फिक्स्ड है, जिसमें हमारे हिंदी वाले भी आ जाते हैं, अरेबिक भी आ जाते हैं, उर्दू भी आ जाते हैं, एबीसीडी वाले इंग्लिश के तो आ ही जाते हैं, सभी मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, जापानीज, चाइनीज वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो ये यूनिकोड के पार्ट्स। अब आप समझ लीजिए, यदि आपको मशीन लैंग्वेज में काम करना है तो पहले यदि आपको ए लिखना है तो उस ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा 65 में, उस 65 को आपको 0101 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आपको कैपिटल जेड लिखना है तो पहले 90 में कन्वर्ट होगा, 90 के बाद फिर वो 0101 में कन्वर्ट होगा। @ को करना है तो पहले 64 में कन्वर्ट होगा, 64 से 1010 में कन्वर्ट होगा, जो भी बाइनरी नंबर बनेगा उसका। अंडरस्टूड और नॉट? समझ गया। तो मेरे हिसाब से ये जो अपन काम कर रहे हैं ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए हम आसानी से, लो लेवल की बात चल रही है इसलिए हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, आसानी से लिख नहीं सकते, आसानी से समझ नहीं सकते। अब भैया कोड लिखा है 100 लाइन का, 50 लाइन का, मशीन लैंग्वेज का 010101 वाला कोड लिखा है, कहीं 5वीं नंबर की लाइन पे, 7वीं नंबर की लाइन पे किसी 01 में प्रॉब्लम आ गई, कोई 01 में एरर आ गई, उसको सॉल्व कैसे करोगे? भैया पहले नंबर तो ढूंढ लीजिए आप,
तो फाइंड करने में भी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखने में तो सब एक जैसे ही दिख रहा है, 0101 सब एक जैसे ही दिख रहा है, तो इसलिए ये आसानी से ना तो एरर्स को फाइंड किया जाता है और ना ही आसानी से एरर्स को सॉल्व किया जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। सिक्स ऑन मशीन, मैंने एक टॉपिक बोला था इसमें, सिक्स ऑन मशीन एक कॉन्सेप्ट बोला था। तो लो लेवल में एक फीचर है क्या, सिक्स ऑन मशीन, यानी कि यदि आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना है तो आपको हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरनल आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, मदरबोर्ड में कैसे वर्क करता है, है ना, एंड और नॉट गेट वगैरह आपने पढ़े होंगे, गेट्स वगैरह पक्का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसी काफी सारी 80886 वगैरह आपने पढ़े होंगे यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ईसी वगैरह से बिलोंग करते हैं, इन पे भी आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अपन हाई लेवल पे बात कर रहे थे तो बड़ा आसान तरीके से, नॉर्मल सी यदि इंग्लिश की लैंग्वेज आपको आती है तो उस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके आप सारा काम कर सकते हो। आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ते आने चाहिए तो आप हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ जावा वगैरह लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लो लेवल में ही दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, असेंबली लैंग्वेज। इसमें लिखने का तरीका क्या है, तो बेसिकली जिस प्रकार से मशीन लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते थे 0101 के, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते थे, बाइनरी फॉर्मेट बोलते थे, इसी प्रकार से असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक मूव एक्स डीएक्स, एड एक्स डीएक्स, सब बीएक्स एक्स, मल बीएक्स सीएक्स, इस तरीके से मैंने कुछ कोड्स बोले, है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो उसमें, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज के कोड्स हैं। इन असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को अपन नेमोनिक्स कोड बोलते हैं। नेमोनिक्स कोड एम साइलेंट होता है, एम एन ई एम ओ एन आई सी एस, नेमोनिक्स कोड होते हैं। ऑलराइट, बोले सर ये तो देखने में समझ में आ रहा है कि भाई मूव ए एक्स डी एक्स, लेकिन मूव एड सब डिब मल ये तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन बी एक्स ए एक्स डी एक्स सी एक्स ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि दिस इज ऑल्सो असेंबली लैंग्वेज, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल में क्या बोलते हैं, लो लेवल में बोलते हैं कि आपको मशीन का इंटरनल आर्किटेक्चर आना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू हैव टू नो अबाउट इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अंडरस्टूड नॉट, समझ गया, ऑल ओके। अब बात आती है कि जो हमने असेंबली लैंग्वेज पे अपन ने काम किया, असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा, मशीन को क्या समझना है, मशीन को तो सारा का सारा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही बातचीत करनी है। आपने असेंबली लैंग्वेज में मशीन को कोड दिया, कंप्यूटर को कोड दिया, कंप्यूटर भाई एक काम कर, मैंने एक कोड लिख दिया है, मैंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को सेलेक्ट करके कोड किया है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर मुझे प्रोवाइड करो। कैसे पॉसिबल होगा भैया, बीच में ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा, तो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी ट्रांसलेटर को बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं, असेंबलर। सो असेंबलर एक ट्रांसलेटर का नाम है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इजी है, लेकिन अगेन सेम पार्ट कि आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर इंटरनल आर्किटेक्चर आना चाहिए, तभी आप इस पे परफेक्ट हो सकते हो। अब आते हैं अपन दूसरी ओर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। मैंने आपको बताया कि इसको आसानी से हम लर्न कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इट मींस दैट कि दिस इज कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली। आपको यदि आप जब कोड कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एरर आएगी, एक्सेप्शन आएगी, तो आसानी से उसको आप फाइंड कर सकते हो, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। टाइम सेविंग है, कॉस्टिंग हमारी लो होगी, रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की। फिर तो ऐसा है कि भाई जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनना चाहो बिल्कुल बन सकते हो। तो इन्हीं चीजों को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, सिखाऊंगा।
सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बहुत स्टार्टिंग से हुई बेसिक लैंग्वेज है, ये भी हम मिडिल लेवल या हाई लेवल में रख सकते हैं बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल, पास्कल, फोरट्रान, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आई। फिर सी, सी जैसी मार्केट में आई तो उसने तो तहलका मचा दिया, धूम मचा दी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज की गई। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सी में लिखा गया। MySQL C में लिखा गया था। बहुत सारे आपके जो कंप्यूटर में ड्राइवर्स तैयार किए जाते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह ड्राइवर्स, ये भी C प्रोग्रामिंग में लिखे गए। C प्रोग्रामिंग आई, फिर C को ही एडवांस कंटेंट डाला गया, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट डाले गए और भी काफी सारी चीजें ऐड की गई और बोला गया C++। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि अपन यहां पर जावा पाइथन पर काम करने वाले तो सी की यदि हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग 1972 में, 1972 में मिस्टर डेनिस रिची ने तैयार की थी। कहां पर? AT&T बेल लेबोरेटरीज में, AT&T बेल लेबोरेटरीज मुर्रे हिल्स न्यू जर्सी यूएसए में तैयार की थी। इसके बाद C++ आई। C++ ये 1980 में मार्केट में आई, 1980 में। इसको बनाने वाले मिस्टर बिजार ने स्ट्रोस्टप, बिजार ने स्ट्रोस्टप ये इनका नाम था। सेम लोकेशन पर तैयार की गई थी, सेम मतलब AT&T बेल लेबोरेटरीज मुर्रे हिल्स न्यू जर्सी यूएसए में। फिर इसके बाद पाइथन लैंग्वेज आई। पाइथन लैंग्वेज आई थी 1990 में, बेसिकली 1991 में मार्केट रिलीज हुआ था इसका, लेकिन 1990 अपन बोल सकते हैं तो 1990 में, 1990 में पाइथन तैयार की गई। और पाइथन लैंग्वेज को बनाने वाले थे मिस्टर गाइडो वैन रसम, गाइडो वैन रसम। और ये कहां पर तैयार की गई थी? NRI यानी कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में इसको तैयार किया गया था। इसके बाद मार्केट रिलीज जावा का 1995 में हुआ था। वैसे तो 90s अपन बोल सकते हैं लेकिन फर्स्ट वर्जन जावा का आया था 1995 में। कहां पर तैयार की गई थी जावा को? तैयार किया गया था सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के अंदर यूएसए में। बनाने वाले का नाम था मिस्टर जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग, और इनके एक और साथी थे मिस्टर पैट्रिक न्यूटन, या कलीग्स बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है इसको एक्वायर किया था ओरेकल ने 2010 में। 2010 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को ओरेकल ने क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था। तो इस पे अपन काम करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग काम कैसे होता है इस पे डिस्कशन किया। अभी अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या है। तो जावा, सी, C++, पाइथन, इन पे अपन एक-एक करके डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू ऑल।